हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपके सामने गौरव मिगनानी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल हैं सिंपल सी बात है मैनेजमेंट के तीन लेवल हैं पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट तो लेवल्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम मेंबर्स के बेस पर मेंबर्स के बेस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पहले वो जो मैनेजमेंट से रिलेटेड मेंबर्स हैं, दूसरे वो मेंबर्स जो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है मतलब मैनेजमेंट से बाहर रह के काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही तो मतलब यहां से लेके यहां तक टॉप लेवल मिडल लेवल और लोअर लेवल ये हुए मैनेजमेंट के मेंबर्स मैनेजमेंट से बाहर मतलब ये वाला प्लेटफॉर्म एरिया जहां पे वर्कर्स काम करते हैं इसको हम बोलते हैं Non -managerial members, मतलब जरियल प्रबंधकीय स्तर तो सिंपल सी बात है मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर्स के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मैनेजरियल मेंबर्स नॉन मैनेजरियल मेंबर्स अब हमारा टॉपिक का जो मेन फोकस है वो यही है कि मैनेजमेंट को हम कौन से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं यह बात मैंने आपको अभी बताई दिस इज द टॉप लेवल लेवल एंड लोअर लेवल तो टॉप लेवल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर और प्रेसिडेंट इस टाइप की पर्सनैलिटीज आती हैं। फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल मैनेजर डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर ऑपरेशनल या फंक्शनल मैनेजर आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं हमको सिर्फ इन्हीं तीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है क्योंकि यही तीन है मैनेजमेंट के लेवल्स। तो सिंपल सी बात है टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसमें हमने देख लिया कौन कौन इंक्लूड रहता है अब बात आती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फिक्स करती है ऑब्जेक्टिव फिक्स करने के बाद उनको कैसे कंप्लीट करना है पॉलिसीज बनाती है पॉलिसीज बनाने के बाद कुछ एक्टिविटीज भी करनी होती है एक्टिविटीज को फिक्स करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है फिर रिसोर्सेज को असेंबल करना कौन-कौन सी चीजें कहां-कहां से आएगी मनी कहां से आएगा मटेरियल कहां से आएगा मशीनरी कहां से आएगी फिक्स्ड एसेट्स कहां से आएंगी तो रिसोर्सेज को असेंबल करने का काम वर्क परफॉर्मेंस पे कंट्रोल करना कि काम जिस अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा मतलब कंट्रोल करने का काम किसका है टॉप लेवल मैनेजमेंट फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट ये भी देखती है कि बजट कितना कितना होगा बजट को अप्रूव करने का काम भी किसका है टॉप लेवल मैनेजमेंट का अब हम बात करते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट में ये वाली पर्सनैलिटीज मिडल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है सिंपल सी बात है पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना मिडल लेवल मैनेजमेंट को पता लगेगा पॉलिसीज क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज के बारे में इन्हें बताता है लेवल मैनेजमेंट आगे पॉलिसीज को एक्सप्लेन करेगा कि किस अकॉर्डिंग कैसे काम करना है पॉलिसीज को एक्सप्लेन करने का काम उनको रिसोर्सेस अवेलेबल कराएगा क्या करना है कब करना है किसके द्वारा किया जाना है कब काम करेंगे सारी बातें उनको एक्सप्लेन करता है फिर इंप्लॉइज को अपॉइंटमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर रेडी करना मतलब डिपार्टमेंट बनाने किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की जरूरत होगी कहां पर कौन कौन काम करेगा डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर रेडी करना ये भी तो फिर कुछ बातें ऐसी भी होती है कि जो इनको लोअर लेवल और टॉप लेवल दोनों के अंदर सहयोग बना के रखने की होती है मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो टॉप लेवल जो बात कहे ये मान ले ये जो सजेशन दें ये भी कहीं कही ना कहीं उसको मान ही ले तो कोऑर्डिनेशन बना के रखना ठीक है फिर बात आती है हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट की लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स और फोरमैन होते हैं इनका काम क्या होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट देखा जाए तो प्लेटफॉर्म एरिया से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया बोले तो जहां पर वर्कर्स लेबर काम करती है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं उन्होंने तो प्लानिंग कर ली ये करना है पर करवाएगा कौन अब यह काम लोअर लेवल वाले किससे वर्कर्स के थ्रू ठीक है तो ये वर्कर्स से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो यह चाहेंगे कि वर्कर्स को इन्वायरमेंट अच्छा मिले उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे वर्किंग एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाएगा हेल्प करने का काम करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं इनकी प्रॉब्लम्स को, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुंचाते हैं नॉर्मल की ऊपर तो तक पहुंचा देते हैं फिर ह्यूमन रिलेशन अच्छे बना के रखना क्योंकि यहां पर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं उनका आपस में रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो कंपनी का टारगेट हम अचीव कर पाएंगे प्लस इनका रिलेशन इनके साथ भी अच्छा बना रहे इनकी बातें भी मान लें तो इनका काम है रिलेशन लोगों के अच्छे बना के रखना उनसे सजेशन लेना वर्कर्स कभी कभी सजेशन भी देते हैं तो उनके सजेशन को इनवाइट करना कि बताओ भाई तुम्हारे क्या सजेशन हैं। तो डेफिनेटली लोअर लेवल के भी कुछ फंक्शन हैं ही तो हमने इस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या है इनके फंक्शंस क्या है फिर भी अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना है तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें आप पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है उसके फंक्शन क्या है मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या है फंक्शन लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है उनके फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन को हम कौन से दो पार्ट में डिसाइड डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मैनेजरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स के बेस पर तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वो भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद